नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। भंडरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित करीब 15 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा एकल विद्यालय में महिला मजदूर के गिरने के बाद विद्यालय भवन के गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लोगों ने बताया कि विद्यालय भवन निर्माण कार्य में घटिया ईंट का उपयोग किया जा रहा है। ईंट इतना घटिया है कि वाहन से उतारते उतारते ईंट टूटकर चूर चूर हो जा रहा है और इसी ईंट को विद्यालय भवन में लगाया जा रहा है। ईंट के टुकड़े अभी भी देखे जा सकते हैं। विद्यालय के ठेकेदार के द्वारा उसी टुकड़े से ही विद्यालय भवन निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है। बालू भी घटिया किस्म का लगाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि बालू में मिट्टी के अंश अधिक है और इसी मिट्टी के अंश वाली बालू विद्यालय भवन बनाई जा रही है। विद्यालय भवन कमजोर हो जाएगी। लोगों ने बताया कि इतनी बड़ी भवन का निर्माण कार्य हो रहा है परंतु एक भी विभागीय इंजीनियर या अधिकारी निर्माण कार्य में नहीं रहते। सप्ताह और महीना में विभाग के अधिकारी एवं इंजीनियर सिर्फ बिल बनाने के लिए आते हैं। ठेकेदार और उसके मुंशी द्वारा मनमाने ढंग से काम कराया जा रहा है। छोटी बड़ी हर खबर डेली न्यूज झारखंड पर, तो सब्सक्राइब करें डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज।